नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल और देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। आज आपके साथ में ऐसे 10 नुस्खे शेयर करने वाली हूं जो हैं तो छोटे परंतु इनका असर बहुत ही कमाल का है। जी हां, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ये 10 नुस्खे। यदि आप हर समय छोटी छोटी बीमारियों से परेशान रहते हैं, आपको सुबह सुबह क्या करना है, खाली पेट 2 खीरों का सेवन करना है। इससे बीमारियाँ जो हैं आपसे दूर भागेंगी और आप बीमार बहुत कम होंगे। नंबर 2 पर चुकंदर की जो पत्ते हैं उन्हें अगर हम बॉईल करके उसका जूस निकाल लेते हैं और उस जूस से अगर हम अपने बालों को वॉश करते हैं, धुलते हैं, तो सर में हमारे जो खुश्की और खुजली होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है। यदि आप चावल खा रहे हैं तो ध्यान दें कि चावल खाने के बाद तुरंत कभी भी दूध का सेवन नहीं करें, इससे आपका जो पेट है वो ख़राब हो सकता है। यदि आप खाना खाने के बाद आपको हमेशा बदहजमी या खट्टी डकारों की शिकायत रहती है, अमूमन ये होता है लोगों को, खाना पचता नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो इस दौरान सलाद में जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप कच्चे प्याज को इस्तेमाल करें, वो भी उसमें नींबू और काला नमक डाल करके। इस तरीके से सेवन करने से बदहजमी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। आपको बता दें कि आप अपना चेहरा दिन में कई बार तो धुलते हैं, तो कोशिश करिए कि जो चेहरा धुलने की प्रक्रिया है, एक बार सादे पानी की बजाय चावल के पानी से चेहरे को धुलें। इससे आपका जो चेहरे की रंगत है उसमें निखार आना शुरू हो जाता है। यदि आपके फेस का जो स्किन है वो बहुत ऑयली है, हम परेशान हो जाते हैं ऑयली स्किन से, बार बार तेल सा निकलता रहता है, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह सिर्फ एक बार बेसन में कच्चा दूध मिलाकर लगा लें। इससे आपके फेस का जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा और ऑयली स्किन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, फौरन गुनगुना पानी एक ग्लास में लेना है, काला नमक डालना है और इसे पी जाना है, आपको तुरंत इससे आराम मिलेगा। आम का जूस हम सभी को पसंद होता है, अमूमन कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसे आम का जूस ना पसंद हो, और हम बहुत ज़्यादा भी सेवन कर लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि आप बहुत ज़्यादा अगर सेवन कर रहे हैं तो अब उसका सेवन कम कर दीजिए, क्योंकि इसके ज़्यादा सेवन से आपको जो समस्या होती है यूरिक एसिड की बीमारी हो सकती है। चेहरे पर अगर पिंपल्स हैं और खूबसूरती ख़राब हो जा रही है, भाई अपनी खूबसूरती को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो चेहरे पर पिंपल्स ना हो, इसके लिए क्या करना है कि गाय के दूध में थोड़ा सा जायफल मिक्स करें और अपने पिंपल्स की समस्या को ख़त्म करें, फेस पर अप्लाई करें और देखें कैसे आपके पिंपल्स ख़त्म होने लगते हैं। क्या होता है कि ज़्यादातर हम देखते हैं मौसम बदलता है और हमारी छाती में जकड़न हो जाती है, बलगम साफ नहीं होता या गले में हमेशा खराश सी रहती है, कुछ बातें कहनी होती हैं और कुछ और निकल जाती है इस खराश की वजह से। तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, खजूर और दही जो होता है इसका सेवन एक साथ करना है और फिर देखिए आपकी समस्या कैसे मिनटों में ख़त्म होती है। तो इस प्रकार से जो मैंने छोटे छोटे 10 नुस्खे आपको बताए उनको आजमाएं और अपनी परेशानियों से राहत पाएं। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम ब्यूटी टिप्स, हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।